हेलो गाइज, अगर आप एक फ्री इमेज जनरेटर एआई की तलाश में है जिसमें कि आप फ्री में अनलिमिटेड हाई क्वालिटी इमेज जनरेट कर सकते हो रोज, तो मुझे लगता है आपको लियोनार्डो एआई को यूज करना चाहिए। लियोनार्डो एआई में आप रोज अनलिमिटेड एआई इमेज जनरेट कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो वीडियो पर एंड तक बने रहे, आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप लियोनार्डो एआई को यूज कर सकते हो, यूज करके रियलिस्टिक एआई इमेज जनरेट कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लियोनार्डो से एआई इमेज जनरेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। क्रोम ब्राउजर जो कि हर एक मोबाइल में होता है, आपके मोबाइल में भी जरूर से होगा, तो इसे आप ओपन करना, कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। देन आपको यहाँ पे सर्च के ऊपर क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पे लियोनार्डो एआई लिख के सर्च कर देना है। स्टार्टिंग में ही ये जो एआई है या फिर ये जो वेबसाइट है वो आपके सामने आ जाएगा, फिर इसके ऊपर आप क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आप इसमें ऑटोमेटिकली एंटर हो जाओगे एंड कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि इसे ना आप मतलब कि नॉर्मल मोड में ही यूज करो, जैसे कि हमारा जो भी ब्राउजर हम यूज करते हैं वो डेस्कटॉप मोड में रहता है, आप देख सकते हो ये वाला। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि डेस्कटॉप मोड को आप हटा दो, ठीक है। उसे हटा देने से ना इसका जो इंटरफेस होता है वो काफी ज्यादा मतलब कि ईजियर हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से यूज करना, ओके। आप चाहो तो डेस्कटॉप मोड में भी यूज कर सकते हो, उसका कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब आप यहां देख सकते हो आपको एक गेट स्टार्टेड का ऑप्शन दिख रहा होगा। अब आपको यहां पे क्लिक करना है, यहां आप क्लिक करोगे फिर आपको अकाउंट बनाना होगा, और अकाउंट बनाना काफी ज्यादा आसान है। आपको यहां पे एक गूगल का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करो, यहां क्लिक करोगे, देन आपके डिवाइस में जितना भी गूगल होगा मतलब गूगल का अकाउंट होगा, ईमेल आईडी वगैरह, वो सारा यहां आ जाएगा। अब इनमें से आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं इसे सिलेक्ट करता हूं, किसी को भी सिलेक्ट करोगे देन आपका जो अकाउंट होगा वो यहां पे बनके रेडी हो जाएगा, ठीक है। आप यहां पे देख सकते हो, देन आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ सकता है जहां पे कि आपके बारे में ये पूछ सकता है कि आप मतलब कि क्या हो, प्रोफेशनल हो, डेवलपर हो, कुछ ये सब। तो आप यहां पे अदर करके जस्ट यहां नीचे में आप एक्सप्लोर वगैरह लिख सकते हो, मतलब हम तो एआई को यूज कर रहे हैं तो जस्ट हम यहां पे एक्सप्लोर लिख सकते हैं, उसका भी स्पेलिंग गलत हो गया, कोई बात नहीं, जस्ट कुछ भी यहां पे लिख के आप डन कर देना, ये हट जाएगा, ठीक है। हट गया, कुछ इस तरह का आपके सामने यहां पे इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पे आपको थोड़ा सा ऊपर में ही आप यहां देख सकते हो इमेज क्रिएशन का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। इस इमेज क्रिएशन वाले ऑप्शन की मदद से ही आप यहाँ पे एआई इमेज को जनरेट कर सकते हो, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना। यहाँ आप क्लिक करो देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहां पे आपको एक टाइप ऑफ प्रॉम्प्ट का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और जैसा आपको इमेज चाहिए वो जस्ट आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक गर्ल का इमेज चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे उसके थोड़ा सा डिटेल्स डाला एंड उसके बाद आप गर्ल का मतलब कि कैसा चाहते हो फोटो, लाइक नेचर में चाहते हो या होम में चाहते हो, फिर मतलब अगर कुछ आप एक्शन चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा कि वो केयर कर रहा है अपने पेट का और वो उसका पेट है कैट, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। तो इसी तरीके से आप जस्ट यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो कि कैसा आपको इमेज चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप जनरेट को पर क्लिक कर देना, जनरेट के ऊपर आप क्लिक करो, देन आपको यहां पे थोड़ा सा वेट करना होगा, देन आपको यहां पे चार इमेज देखने को मिल जाएगा जो आपने प्रॉम्प्ट लिखा होगा उसे टाइप का। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो जस्ट हमें चार इमेज मिल चुके हैं जिसमें कि ये जो गर्ल है वो अपने कैट का केयर कर रही है, ध्यान रख रही है, आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। अब आप बोलोगे भाई ये जो हमारे फोटो जनरेट हुए इन्हें हम कैसे सेव करें, जैसे कि इनमें से ये वाला काफ़ी सही लग रहा है मुझे, तो इसे हम सेव कर सकते हैं। अब सेव करने का तरीका काफ़ी आसान है, आप इमेज के ऊपर एक बार क्लिक करना, आपको यहाँ पर सेव का ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना तो ये सेव हो जाएगा, आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से सेव कर सकते हो। एंड हाँ, यहाँ पर ना आपको एक सेटिंग ऑप्शन मिलता है, इसे सेटिंग के ऊपर क्लिक करके आप इसका डिजाइन को भी बदल सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ एक स्टाइल का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना, यहाँ क्लिक करो देन आपको काफी सारे स्टाइल मिल जाएंगे, आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। अब इनमें से आपको जो पसंद आता है उसे आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो, अगर आपको सिनेमैटिक चाहिए तो आप यहाँ पे सिनेमैटिक सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं इस बार सिनेमैटिक सेलेक्ट करता हूँ। एंड यहाँ पे प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा चेंज करते हैं, इस बार हम यहाँ पे एक सिटी जनरेट करते हैं, ठीक है, एक मैं नाइट सीन चाहिए मुझे सिटी का, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे लिख दिया एंड उसके बाद जनरेट को ऊपर क्लिक कर देना है। देन आप यहाँ देख पाओगे कि एक सिनेमैटिक वाइब के साथ इस बार हमारा चारों फोटो जनरेट होगा। जस्ट आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ओके।
जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमें एक सिटी का जस्ट यहाँ पे व्यू मिल चुका है जो कि नाइट का है। आप यहाँ देख पा रहे हो ठीक है, कितना रियलिस्टिक ये वाला लग रहा है, मतलब सही लग रहा है ये वाला। तो इसे हम इसके ऊपर क्लिक करके जस्ट इसे सेव कर सकते हैं ठीक है। उसी तरीके से सिमिलरली आप यहाँ पे जस्ट प्रॉम्प्ट को चेंज कर सकते हो। अगर आपको नेचर का चाहिए तो जस्ट आप यहाँ पे नेचर लिख सकते हो। नेचर में भी अगर आपको गर्ल को ऐड करना है तो उसे भी आप यहाँ पे फिर लिख सकते हो। देन उसके बाद आप यहाँ पे जस्ट सेटिंग के ऊपर जाके इसमें आप यहाँ पे डिज़ाइन को चेंज कर सकते हो ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको एक तरीका बता दिया है कि किस तरीके से यहाँ पे आप इमेज को जनरेट कर सकते हो। अब उसके बाद जस्ट आपके दिमाग में जो चीज़ आ रहा है वो आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट में लिख दो। लिखने के बाद जस्ट आप यहाँ पे जनरेट कर दो, आपको यहाँ पे सारे फोटोज़ मिल जाएंगे ठीक है। तो काफ़ी सिंपल सा ये तरीका है जिस तरीके से आप यहाँ पे इसे यूज कर सकते हो। लेकिन इसमें ना एक आपको दिक्कत देखने को मिलेगा, मतलब कि यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा फोटोज़ को जनरेट नहीं कर पाओगे, लिमिटेड फोटो ही जनरेट होता है। लेकिन मैंने आपको इंट्रो में बोला था कि आप इसमें अनलिमिटेड फोटो जनरेट कर सकते हो, तो उसका तरीका है हमारे पास है ठीक है। एक टेम्प मेल करके एक वेबसाइट आता है, वहां से आप क्या करना ना कि आप एक टेम्पररी ईमेल आईडी बना लेना ठीक है। एंड जब आपका ईमेल आईडी पे खत्म हो जाएगा, मतलब कि आप देखो मैं आपको यहां दिखाता हूं, इसमें क्या होता है कि क्वाइन होता है ठीक है, कुछ क्वाइन ये देता है स्टार्टिंग में। अगर वो क्वाइन खत्म हो जाता है देन आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। तो अपग्रेड ना करना, आप लॉग आउट कर लेना एंड टेम्प मेल से एक नया जस्ट अकाउंट बनाना एंड यहां पे कर लेना, तो फिर से आपको नया क्रेडिट मिल जाएगा ठीक है। तो उसको यूज करके फिर आप जनरेट कर पाओगे ओके। तो यहाँ आप देख सकते हो इस बार कुछ इस तरीके का नेचर वाला हमें फोटो मिल गया, जो कि देख पा रहे हो कितना ज़्यादा मतलब कि कमाल का लग रहा है ठीक है। तो अगेन इनके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ से इसे सेव कर सकते हो ओके। तो आई होप आपको समझ आ चुका है किस तरीके से यहाँ पे लियोनार्डो एप्लीकेशन में अनलिमिटेड फोटो हम जनरेट कर सकते हैं। और जो मैं अभी बोल रहा था उसको मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ। लाइक यहाँ बैक हम करें एंड यहाँ आप थ्री लाइन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कॉइन मिलेगा। स्टार्टिंग में यहाँ पे 150 कॉइन मिलते हैं ठीक है। 150 कॉइन में आप यहाँ पर अच्छा खासा इमेज जनरेट कर सकते, तो मतलब 30 के आसपास इमेज जनरेट हो जाते हैं ठीक है। 20-30 के आसपास इमेज जनरेट हो जाते हैं। अब अगर आप इसमें बार बार इमेज जनरेट करना चाहते हो तो आप अकाउंट जस्ट चेंज करना, और अकाउंट बनाने का तरीका मैंने आपको बताया टेम्प मेल से, आप टेम्पररी एक ईमेल आईडी बना लेना फिर वहां से आप इसमें लॉग इन कर लेना ठीक है। तो काफी सिंपल सा चीज है। आई होप आपको सारा चीज समझ आ चुका होगा। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो और खुशियां बांटते रहो।